हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे आप सभी फ्रेंड। पेटीएम तो यूज़ करते ही होंगे, मगर पेटीएम में क्या होता है फ्रेंड, जब आपको अपने वॉलेट में या आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस होगा जब ही आप उससे पेमेंट कर पाएंगे। तो फ्रेंड मैं आपको आज बताने वाला हूँ एक पे लेटर एप्लीकेशन, जिसके अंदर आप नॉर्मली अपनी प्रोफाइल डाल के अच्छी खासी लिमिट ले सकते हैं और उससे आप नॉर्मली कोई भी QR कोड स्कैन करके पेमेंट कर पाएंगे। जैसे कि आप कोई भी खरीदारी करते हैं या कोई भी परचेसिंग करते हैं और QR कोड स्कैन करके आप उससे पेमेंट कर पाएंगे। कौन सी पेलेटर एप्लीकेशन है, सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मैं मोहन, ऐसी टेक और ऐसी इन्फॉर्मेशन की जानकारी आपके लिए आता रहता हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी टेक और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए, और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर जरूर कर दें। जब भी कोई भी किसी को भी लोन के रिकॉर्डिंग या पेलेटर एप्लीकेशन की जरूरत है तो फ्रेंड इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर तरीके से बताऊंगा कैसे आप नॉर्मली पेलेटर लिमिट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको ज्यादा नहीं 5 मिनट के अंदर आपको पेलेटर लिमिट मिल जाएगी। कैसे करना होगा वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, सारी इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आइए चलते हैं अपनी फोन स्क्रीन पर और बता देता हूं कैसे कैसे आपको अप्लाई करना। तो आइए चलते हैं। तो फ्रेंड आ चुके हैं अपनी फोन स्क्रीन पे। आपको क्या करना है, इस ऐप का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही डाउनलोड हो जाती है डायरेक्ट ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे मोबाइल सेलेक्ट करना है, अपना मोबाइल नंबर चॉइस कर लेना है। करने के बाद फ्रेंड आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, ये ऑटोमेटिक ले लेगा। लेने के बाद फ्रेंड आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपको टर्म कंडीशन को टिक मार्क कर लेना है और एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। जैसे एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद आपके सामने ये पेज जो है कुछ टाइम लोड लेगा। लोड होने के बाद फ्रेंड आपके सामने एक इंटरफेस निकल के आएगा, उसमें कुछ डिटेल भरनी होगी। तो फ्रेंड देख लीजिए निकल के आ चुका है। यहाँ पे आपको डालना है ऊपर के साथ में आपको अपना नाम, फर्स्ट नेम डालना है आपका, जो भी नाम का फर्स्ट नेम है वो आपको यहाँ पे इंटर करना है। लास्ट नेम क्या है आपका, लास्ट नेम यहाँ पे इंटर करना है आपको। जैसे कि हमारा लाल है तो हमने लाल लगाया। इसके बाद आपको डाल देनी है अपनी ईमेल आईडी सिलेक्ट कर लेनी है। ईमेल आईडी सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको डालनी है फ्रेंड आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, जो आधार के अंदर डेट ऑफ बर्थ आ रही हो वही डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे इंटर करनी है। करने के बाद नीचे आपको डालना है फ्रेंड आपको मेल फीमेल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड आता है यहाँ पे आपका एरिया पिन कोड, कहाँ पे रहते हैं आप, जिस लोकेशन में रह रहे हैं उसी लोकेशन का आपको पिन कोड डालना है। ठीक है फ्रेंड, डालने के बाद नीचे आपको रजिस्टर का ऑप्शन नज़र आता है, रजिस्टर पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपका पैन नंबर आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको टिक मार्क कर देना है। करने के बाद फ्रेंड देख सकते हैं इस प्रकार का ऑप्शन हमारे सामने निकल के आ गया। हमें जो लिमिट मिली है 6,000 रुपये की। आप नॉर्मली इस लिमिट को पाने के लिए हमें क्या करना है, नीचे टिक मार्क पे क्लिक करना है। एक टिक मार्क का ऑप्शन नज़र आ रहा है, टिक मार्क पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हम टिक मार्क पे क्लिक कर लेते हैं। करने के बाद एक्सेप्ट ऑफर पे क्लिक करना है। जैसे एक्सेप्ट ऑफर पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद फ्रेंड कुछ टाइम ये लोड लेगा। देख सकते हैं फ्रेंड ये लोड लिया। उसके बाद आपको देख लीजिए ऊपर नज़र आ रहा है KYC करने के लिए, आपको इसमें नीले कलर के बटन पर क्लिक करना है। करने के बाद फ्रेंड आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा, ऊपर लिखा है डिजी लॉकर, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो हम डिजी लॉकर पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हमने क्लिक किया तो फ्रेंड यहाँ पे आपको डालना है अपना, यहाँ पे डालना है फ्रेंड अपना आधार नंबर, जो आधार के ऊपर नंबर होता है वो नंबर आपको इंटर करना है। तो हम यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल देते हैं। आपको क्लियर कर दूँ, आपके आधार के अंदर मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए तभी आपको ये लिमिट मिलेगी। ध्यान रखना है आपके आधार के अंदर मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, उस मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। देख सकते हैं हमने डाल दिया, अब यहाँ पर OTP आ चुका है हमारे आधार पर और हम यहाँ पे पेस्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद फ्रेंड कुछ टाइम लोड लेगा। लोड होने के बाद आपके सामने जो है ये प्रॉपर तरीके से हमें ये लिमिट मिल जाएगी और इस लिमिट को हम सक्सेसफुल तरीके से यूज भी कर पाएंगे किसी भी पेमेंट के लिए। जैसे कि आप नॉर्मली मार्केट से कुछ लेने जाते हैं, देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है, एग्री कर देना है आपको। करने के बाद फ्रेंड कुछ टाइम ये लोड लेगा, देख सकते हैं सक्सेस हो चुका है, हमारी जो KYC है यहाँ से सक्सेसफुल हो गई है। अब यहाँ पे हमें फ़ोटो क्लिक करना है तो हम यहाँ पे अपना फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, राइट बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही राइट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है यहाँ पे फ़ोटो भी एक्सेप्ट हो जाएगा। एक्सेप्ट होने के बाद नीचे आपको नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है, कन्फर्म एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है आपको। जैसे ही फ्रेंड आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपका जो है यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा कनेक्ट लेसन और नीचे आपका कंटिन्यू का ऑप्शन। कंटिन्यू पे जैसे क्लिक किया तो देख सकते हैं यहाँ पे हमें लिमिट मिल चुकी है और नीचे आपको देख लीजिए एक ऑप्शन नज़र आ रहा है QR कोड का। यहाँ से आप नॉर्मली किसी का भी QR कोड स्कैन कर सकते हैं, स्कैन करके आप इस लिमिट को यूज कर सकते हैं। जो भी आप नॉर्मली मार्केट से कुछ लेना चाहते हैं, PTM का QR कोड स्कैन करना चाहते हैं, तो इससे आप नॉर्मली अपने वॉलेट से अपनी पेमेंट कर सकते हैं। जैसे हम QR कोड पर क्लिक करेंगे, QR कोड ओपन हो जाएगा, आप कोई भी QR कोड पर स्कैन करके पेमेंट कर पाएंगे।
फ्रेंड देखा इस प्रकार से आप नॉर्मली अपने लिए पे लेटर एप्लीकेशन से अपने लिए लिमिट ले सकते हैं। तो फ्रेंड देख लीजिए, हमने जो अप्लाई किया हमने बेसिक डिटेल इसमें फिल करी थी और इसमें हमें 6000 रुपये की लिमिट मिल गई। 6000 रुपये की हम कोई भी खरीदारी कर सकते हैं और नॉर्मली अपने QR कोड से कोई खाना पीना करते हैं तो आप QR कोड के थ्रू उससे पेमेंट भी कर पाएंगे। बिल्कुल आसान तरीका था। आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी टेक और ऐसी न्यूज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।